बात एक दौरे की। दरअसल ये दौरा बहुत करीब से जुड़ा हुआ है सत्ता से। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी आए थे, अब लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि चुनाव से पहले क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस का सवाल बहुत पुराना है, बीजेपी का जवाब उतना ही पुराना। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। इससे लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मोहन भागवत ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करने वाले हैं, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ मालवा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख के एमपी दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि संघ पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव जिताता है और सरकार चलाता है। संघ को सामने से आकर खुद चुनाव लड़ना चाहिए। जो संघ है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नियंत्रित करता है, उनके लिए चुनाव में काम करता है, उनके जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। तो सीधे खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ये लोग जो है पीछे के रास्ते से सत्ता पर क्यों कब्जा करना चाहते? खुल के आना चाहिए। संघ अपने जो है खुद के एजेंडे पर चुनाव लड़े। अब तो उनके लड़कों ने अपनी कुछ पार्टी भी बना ली है, उसी पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है देश में? अच्छी बात है आप पूरे प्रदेश में घूमें, संघ के नाम पर वोट मांगे और संघ के उम्मीदवार संघ के नाम पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सूबे की सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संघ प्रमुख के दौरे का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संघ सांस्कृतिक संगठन है और उसके कार्यक्रम भी सांस्कृतिक ही होते हैं। एक ही बाद एक लगातार मिल रही हार से कांग्रेस नेता बौखलाए हुए हैं और बचकाना आरोप लगा रहे हैं। बड़ा बचकाना आरोप है कांग्रेस का, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परम आदरणीय मोहन भागवत जी का दौरा कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ना राजनीतिक किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ना राजनीतिक कोई बैठक कर रहे हैं। लेकिन तमाम आरोप कांग्रेस लगाना चालू हो गया। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को जागृत करने का काम करता है, समाज सुधार के काम करता है, समाज सेवा के काम करता है, लोगों की मदद करने के काम करता है। उसको राजनीति से जोड़ना, उस दौरे को राजनीति से जोड़ना पूरी तरह से कांग्रेस का बचकाना आरोप है। मोहन भागवत जी का जो दौरा है वो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अपने एक सप्ताह के मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मोहन भागवत 6 से 8 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो संघ कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी टोली के साथ बैठक करेंगे। वहीं 10 और 11 फरवरी को मुरैना में मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम सांस्कृतिक होते हैं, लेकिन उनके दौरे और कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है। संघ को लेकर ना कांग्रेस के सवाल बदले हैं, ना ही बीजेपी के जवाब। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र बधौरी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस का सवाल है कि क्यों आ रहे हैं। दरअसल ये जो दौरा है इसके बारे में जानकारी आपको दे दें कि दरअसल ये दौरा किस तरह का रहने वाला है। पदाधिकारियों के काम की वो समीक्षा करेंगे। 6 से 8 फरवरी तक उनका उज्जैन का दौरा है। पदाधिकारियों के काम की समीक्षा है, इसमें और भी जो बाकी चीजें होती हैं वो भी होती हैं। 6 से 8 फरवरी तक उज्जैन दौरा, उज्जैन में संघ का एक बड़ा शिविर होना है। 10 और 11 फरवरी को मुरैना का भी दौरा होगा, और जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट में भी जानकारी दी कि 10 11 फरवरी को मजबूत गढ़ है मालवा, वहां पर भी वो जाएंगे, और कमजोर परफॉर्मेंस जहां बीजेपी का रहा है वहां भी वो जाएंगे। यही वजह है कि इसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक बार फिर आपको बता दें, बड़ा शिविर होना है उज्जैन में, संघ का बड़ा शिविर होना है। 10 और 11 फरवरी को मुरैना का दौरा होना है, मालवा में भी दौरा होना है, मुरैना में मध्य प्रांत के प्रचारकों की बैठक। अब कांग्रेस की आपत्तियों पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। कांग्रेस की आपत्ति यह है कि बीजेपी की चुनाव में संघ मदद करता है। यह किस किस्म की आपत्ति भाई? ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी कमजोर है परफॉर्मेंस वाइज। विधानसभा चुनाव के अगर रिकॉर्ड और आंकड़ों को देखा जाए, ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। भरपाई के लिए इस दौरा यह दौरा देखा जा रहा है। पहले मालवा निमाड़ में लोकसभा की ज्यादा सीटें आती हैं, यह भी एक बड़ी वजह है। तो इस तरह कांग्रेस की आपत्तियां जो है वो चुनाव और परफॉर्मेंस से जोड़कर, बीजेपी के परफॉर्मेंस से जोड़कर देखी जा रही है। ये जो दौरा है उसे लेकर हमने आपको बता दिया कि दौरा क्या है और आपत्तियां क्या है।
शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे और बारीक तरीके से शैलेंद्र आपको ये दौरा और आपत्ति दोनों को समझाएंगे। शैलेंद्र, जितना ये सवाल अजीब लगता है कि मोहन भागवत क्यों आ रहे हैं, उतना ही ये जो जवाब दिया जाता है कि संघ का राजनीति से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, पावर सेंटर तो नागपुर है ये बात सभी जानते हैं। शैलेंद्र, देखिए निश्चित ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद होना है तो संघ प्रमुख का अगर दौरा है तो कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाएगी, लेकिन अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत या संघ की हम कार्यशैली को अगर गंभीरता से देखते हैं तो जिस तरह की संघ की बैठकें होती है वो काफी समय पहले से तय होती है और उस बैठकों में जैसे कि टोली बैठकें होगी तो टोली बैठकें होना है, प्रांत प्रचारक जो प्रचारक है उनकी बैठकें होना है, क्योंकि मार्च महीने में संघ हमेशा साल भर में एक बड़ी वार्षिक बैठक करता है जिसमें सारे दायित्व परिवर्तन को लेकर चर्चा होती है, किस प्रचारक को किस राज्य में भेजा जाना है उसको लेकर चर्चा होती है, इसके अलावा ये तय किया जाता है कि एक साल का रोड मैप क्या होगा, संघ एक अगले साल का रोड मैप बनाता है उसमें किस तरह से काम करना है और किस किस राज्यों में, तो एक बड़ी योजना के साथ। तो मोहन भागवत जब किसी बैठक में आते हैं तो निश्चित ही वो साफ तौर पर राजनीतिक दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव के पहले संघ कार्यकर्ता प्रचारक बैठेंगे तो निश्चित ही इस पर चर्चा होगी कि संघ कार्यकर्ताओं को किस तरह, लेकिन मोहन भागवत कभी राजनीति में सीधे तौर पर आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के